afternoon student, we are going to learn about division. आज हम division के बारे में देखते हैं. हमने previous class में भी देखा है division के बारे में. के सबने पढ़ा है division, divide करना, divided, divisor, decimal, quotient, किसे कहते हैं सबको पता है. अब हम आज करते हैं इन्हें अपने 4.4 तक अपना क्लास में, पहले क्लास में हो गया है. आज हम 4.5 करते हैं. फाइंड द एस्टिमेटेड कोसेंट, एक पास वाला एस्टिमेट वैल्यू ये हमने की है. नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ये सब हमने किए हैं एस्टिमेट करना. तो 89 का एस्टिमेट कैसे करेंगे अब हम. 89 मतलब नियरेस्ट 10 करेंगे. 89 डिवाइडेड बाई क्या है, 6 है. ओके, तो एस्टिमेट कर नियरेस्ट 10, तो ये क्या हो जाएगा, 0. यहाँ प्लस 1 होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है प्लस, ये 1 प्लस क्या है 9. यदि 5 के ऊपर होता है, 5, 7, 8, 9 होता है, तो प्लस 1 होता है 10 प्लस पे. तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 6. ओके, देन द 19 डिवाइडेड बाय 6. ओके, जो डिवाइड होता है, डिवाइडेड डिविजर क्वाड्रेंट कोसेंट सॉरी देन रिमाइंडर. ओके, देखें 6 1 6, 7 8 9, क्या होगा, परसेंट उठाएंगे हम 0. 6 5 6 13 देन माइनस. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. 123 डिवाइडेड बाय 14, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 करें हम 2 है, कौन सी 10 प्लस पर 2 है, 1 प्लस, यहाँ प्लस 1 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 3 है. 5 के इधर होता है तो हम नहीं करते हैं, 5 के उधर होता है तो हम प्लस 1 देंगे. डिवाइडेड सॉरी, इसमें भी 10 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0. यहाँ प्लस 1 होगा, नहीं. ओके, ये आंसर क्या होगा, 12. ओके, क्यों, क्योंकि 1.10 के बाद पॉइंट, 0.0 तो फिर आंसर. ओके, देन 238 डिवाइडेड बाय 7 क्या है, 27 सॉरी. ठीक है, या 17 भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 0. ओके, देन यहाँ प्लस 1 करेंगे, 4 2. ओके, देन यहाँ डिवाइड, फिर 10 प्लस 0 प्लस 1 होगा 3. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 3 6 20 आंसर. ओके, यदि ये हिसाब से नहीं होता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. सॉरी, 3 24 होता है ना. ओके, ओके, देन नेक्स्ट एक और देखते हैं हम. 264 डिवाइडेड बाय 19, नियरेस्ट 10, 1 प्लस, 10 प्लस का 1 होगा, प्लस 1 होगा, नहीं होगा, 6 देंगे, 0, प्लस 1 होगा, क्या होगा, 2 1 2 2 3 3. ओके, देन सेकेंड 364 डिवाइडेड बाय 30, नियरेस्ट 10 देखेंगे, 0, प्लस 1 होगा, इस पे नहीं होगा, देन 6, 0, प्लस 1 होगा, नहीं होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, 12 0.
इसमें के इस तरह आप इन्हें कर सकते हैं। 861 डिवाइडेड बाय 24 हम करते रहे हैं। 43। देन सेकेंड क्वेश्चन रीड करेंगे। अ बुक कंटेन 384 पेज। एक बुक है उसमें कितने पेज है? 384। इफ नेहा रीड 70 पेज एवरी डे। यदि नेहा कितने पेज रोज पढ़ती है? 17 पेज। हाउ मेनी डे वुड इट टेक फॉर हर टू रीड द कंप्लीट बुक। तो उसे कितने दिन लगेंगे उस बुक को कंप्लीट करने के लिए? राइट द एस्टिमेटेड आंसर। आपको उसको नीरेस्ट मतलब एस्टिमेट मतलब उसका आपको उसके लगभग अप्रोक्सीमेट उसमें आपको आंसर देना है। तो आइए हम देखते हैं क्या है 384। देखिए हम 384 डिवाइडेड बाय 70। ओके तो नीरेस्ट स्टैंड है 40। ओके ये प्लस का होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। देन ये 3 डिवाइडेड बाय 7 सॉरी 17 है ये 0। देन ये 2 क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। देन 2 ये 0 से ये 0 कैंसल। 2 वन जा 2 है यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते तो इसे ऐसे ही कर सकते। 2 वन जा 2 वन जा 2 वन रहा 2 नाइन जा 18। ओके या फिर आप इसे या डिवाइड कैसे नहीं कर सकते तो आप इसे भी कर सकते हो। 2 वन जा पर से उतारे 2 नाइन जा मतलब पूरी बुक को कितने दिनों में फिनिश कर सकती है? 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। एवरी डे वो कितने पेज पर रीड करती है? 17 पेज। ओके वो टोटल कितने पेज है? 384 है। ओके देन हम सिंप्लीफिकेशन क्या होता है उसको सिंप्लीफाई करना मतलब उसको क्या करना सरल रूप में करना। ओके कैसे करेंगे अब हम इसे? इसमें जो होता है एक रूल होता है उस रूल को फॉलो करके हम उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। क्या रूल है वो ये देखते हैं। कोई सी भी इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर क्या होता है? डिवाइड होता है फिर इंटू होता है फिर प्लस होता है देन फिर माइनस होता है। बी मास ये रूल होता है। ओके इसके अंदर ये जो होता है ब्रैकेट होता है ब्रैकेट सबसे फर्स्ट में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है देन सर्कल। ओके इधर डिवाइड देन फिर मल्टीप्लाई देन फिर एडिशन देन फिर सबट्रैक्ट। ओके ये रूल से ही हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। आगे देखिए आप फॉर एग्जांपल 462 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 45 माइनस 20। ओके अब हम हमें ये आना चाहिए हमारे माइंड में सबसे फर्स्ट में इधर मल्टीप्लाई दिख रहा है सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहा है नो फिर डिवाइड डिवाइड है किन में है इन में। देन आप इधर कैसे देखें तो आप इन्हें कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं यदि आप कैसे न कर सकते। 6 की टेबल में 46 आएगा नहीं 6 7 40 6 में से 2 माइनस हुआ 4 4 में से 4 10 ऊपर से नोट करेंगे 2 6 7 40 माइनस करेंगे
5 प्लस माइनस 8 लाइन में एक ही पहले सिंबल को आप सिंपलीफाई करेंगे या एक ही को पहले आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने डिवाइड सॉल्व किया इन्हें एज इट इज सॉल्व ओके, देन इनटू है क्या नहीं है, उसके बाद प्लस है, तीन दो में है, तीन दो में, देन 7 प्लस 5 क्या होगा 10 प्लस 1 7 प्लस 5 12 माइनस, अब क्या है 2 माइनस 0 2 12 माइनस 2 10 ओके। इस तरह आप सभी इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 135 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 7 प्लस 460 माइनस 20। आप रूम के अलावा भी एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्लस सबसे पहले ब्रैकेट ए लोएंगे, फिर क्या है डिवाइड है किन दो में है इन दो में। अब 15 की टेबल में 135 कितने टाइम में आते हैं, 135 15 की टेबल आती है आपको, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास ब्रैकेट है क्या नहीं, क्या है डिवाइड, डिवाइड करेंगे 15 की टेबल में 135 आते हैं कितने टाइम में आते हैं, 59 जा 135 देन यहाँ क्या नोट करेंगे 9। अब ये हो गए देन ये इंटू 7 प्लस 416 माइनस 27। अब क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद क्या है डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखेंगे ये क्या है किन दो नंबर में इन दो, 97 का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है 97 का 63 प्लस 460 माइनस 27 देन अब क्या करेंगे प्लस है और माइनस है, पहले प्लस 303 66 12 केरी 1 4 प्लस 1 5 माइनस 27 ओके, 3 में से 7 माइनस होगा नहीं होगा, देन क्या करेंगे या इधर लव पेज पर भी करके नो देख सकते हैं, 30 में से 7 माइनस होगा 8 9 10 11 12 देन 13 6 12 में से अब क्या होगा 3 माइनस होगा देन 9 5 में से 1 माइनस होगा देन 4 496 ओके। इस तरह आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आपके बुक में इसी क्वेश्चन दे रखे हैं जिन्हें आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं, पर रूल को क्या करें फॉलो करें। 4437 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 600 देना, सबसे पहले डिवाइड दिख रहे हैं इन दो में, जब सॉल्व करके देखें हम 9 डिवाइडेड बाय 4437 9 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या 9 देन 2 ठीक है 44 आता है 9 की टेबल में क्या होगा 9 4 जा 36 4 में से 6 माइनस होगा नहीं होगा, क्या करेंगे 14 में से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या होगा
3 टाइम क्या हुआ क्वेश्चन 493। अब मल्टीप्लाई का साइन दे 2 माइनस 615। अब 3 2 6 2 9 88 केरी 1 2 4 8 8 + 1 9 ओके देन माइनस क्या डिजिट नंबर है 600 6 में से 0 माइनस होगा सॉरी 6 में से 0 माइनस होगा 8 में से 5 माइनस होगा 6 7 8 3 9 में से 6 माइनस होगा 7 8 9 3 ओके इस तरह आप ये कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं 1629 divided by sorry plus 384 divide 3 plus 240 multiply 250 multiply 4 minus 500 ये नंबर है। अब सबसे पहले हमें देखना है डिवाइड डिवाइड का क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं डिवाइड अब ध्यान से देखें डिवाइड 3 वंजा ये नंबर एज इट इज 10 प्लस भी एज इट इज इन दोनों को सॉल्व करते हैं 3 वंजा 3 टू जा 7 पे 2 4 24 3 एज दैट 24 then plus then multiply then अब क्या कर रहे हैं multiply कहाँ है multiply then ये दो नंबर is it is twenty five four जा 100 then 10 minus अब क्या करना है हमें प्लस देन ही ना प्लस का कितने जानते हैं कर सकते हैं 0 + 8 8 + 9 8 + 9 17 7 कैरी 1 2 + 1 3 3 + 3 6 देन 0 1 1 देन 6 क्या होगा 7 ओके देन 1 + 1 माइनस 500 7 में से 0 माइनस हुआ 6 में से 0 माइनस हुआ 6 ओके देन 7 में से 5 माइनस हुआ 6 एंड 7 देन ओके इस तरह ये आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं 3432
7 into 3 क्या होगा 21।
दुकान। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ मिल्क, 3 लीटर जो दूध आता है मिल्क वो कितने में आता है, 126 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ मिल्क, तो हमें कितने की जरूरत हुई है, 12 लीटर मिल्क कितने रुपए में हमें मिलेगा। ओके, तो हमें इसके लिए भी क्या करना होगा, सबसे पहले 1 लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए भी हमें चाहिए, तो 2 लीटर के लिए चाहिएगा तो उसमें मल्टीप्लाई 2 का, 3 के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई 3 का, 5 के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई 5 का, इस तरह करके हम उसे निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर के लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, 126 डिवाइडेड बाय कितने के लिए, 3 लीटर मिल्क आता है। ओके, तो 1 कितने में आएगा, 3 4 6 कितने रुपये में, 42 रुपीज पर लीटर है, कितने, 42 रुपीज। ओके, तो 12 लीटर 42 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, तो इसमें 12 2 24 के लिए 12 4 48 49 50। ओके, मतलब कितने रुपीज करेंगे, 504 रुपीज। इसमें कितने लीटर दूध आ जाएगा, 12 लीटर। ओके, इस तरह हम सबसे पहले 1 लीटर का नोट करेंगे, देन आपको जितने भी दिए हो, मान लिया जाए आपको 14 लीटर का पूछे तो आप यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 का पूछे तो 1 लीटर में 16, 1 लीटर के प्राइस में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 16। ठीक, इस तरह आप कर सकते हैं। अब फैक्ट्री ऐसे मल 360 स्टूडेंट इन 6 डे में कितने करते हैं वो, 360। हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी असेंबलर इन 14 डे, 6 डे में कितने करते हैं, तो 14 डे में कितने करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 डे में वो कितने करते हैं, तो क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 का देर है, 6 6 36, देन 1 डे में कितने करते हैं, 16, तो 14 डे में कितने करेंगे, 14 into 16। ओके, आया समझ में, देन ये 6 4 24 केरी, 6 1 6 7, देन के देन 1, इस तरह आप कर सकते हैं। 14 डे में कितने स्टूडेंट असेंबल, फैक्ट्री में कितने स्टूडेंट असेंबल हुए, 814। ओके, देन सेम क्वेश्चन रिपीट कर रिपीट देखें हम, फोर्थ क्वेश्चन है, अ मेन ईयर रुपीज 918 इन 5 डे, वो 5 डे में कितने रुपीज कमाता है, 918। हाउ मच डिड ही अर्न इन द मंथ ऑफ फरवरी 2018 फरवरी में तो 28 होते हैं, 29 28 या 29 है, इस तरह को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि यदि इसका डिवाइड यदि 4 से पूरी तरह से हो जाता है, यानी कि वो क्या है, 4 से यदि पूरी तरीके से वो डिवाइड होता है यानी 28, और यदि डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड मतलब यदि पूरी तरीके से है तो 29 देना, हम 29 होगा। ओके, तो देन 1 के लिए क्या करेंगे, 918 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 4, 5, 5 9 45, ओके, देन 47, 48, 3, 5 6 30, तो 1 डे में कितने करता है, 196, देन 29 डे में 196 मल्टीप्लाई बाय 29, ओके, इस तरह ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 145 बलून इन 5 पैकेट में कितने बलून है, 145, हाउ मच बलून विल देयर बी इन 40 पैकेट, देन 40 पैकेट में कितने होंगे, तो पहले 1 पैकेट में कितने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 पैकेट के लिए 145 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5। ओके, तो 1 का पता चलेगा, 5 2 10, 5 9 45, ओके, तो देन
29, 1 में कितने हैं 29, तो देगा 40, 40 में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 40, 4 9 36, देन के डी 3, 4 2 8, 9 10 11, 1 0, यानी कितने बलून होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 23 टॉय एरोप्लेन कॉस्ट 3335, 23 जो है उनकी कॉस्ट कितनी है 3335, तो 12 की कॉस्ट नोट करनी है, तो पहले 1 की कॉस्ट करेंगे, 1 की कॉस्ट निकालने के लिए, 1 की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3335 डिवाइडेड बाय 23, फिर जो वन का जो आंसर आ गया थे 23 के आपको इस तरह टेबल नहीं मारती, तो आप पहले टेबल से बनाए 23 times 23, 46, फिर देन 23, 6, 7, 8, 9, देन प्लस 4, 5, 6, देन 23, 9, 8, 11, 12, 10, 11, 12, 2, के डी 1, 6 plus 1, 7, 8, then 9, 23, 3, 4, 5, 9, 8, 11, okay, then 23, 5, 6, 7, 8, 2 plus 1, 3, then 1, 138, इस तरह आप पहले से डिवाइड करें 3335, 23, 23 बचा 23, 3, 3 में से 2 1, 1, then carry, ऊपर से नोट करेंगे 3, 103 आता है क्या, नहीं, तो ये 92, 1, 2, 3, then 4, 4 times में क्या होगा 92, 3 में से 2 minus 1, 10 में से 1, 1, then 150, कितने टाइम में होगा 5, 100, यानी 1 day में क्या हो रहा है वहाँ पर, 1 toy कितने में आ रहे हैं 150 में, 145 में, then कितने toy का पूछा है उन्होंने 12, multiply 12 5 60, then carry 6, 12 4 48, 45, 46, 47, 48, 49, then 50, sorry, 12 4 48, 49, 50, 51, 52, 53, then 54, then 5, 12 1 12, 13 14, 15, 16, then 17, इस तरह आपके कर सकते हैं। अब के क्वेश्चन जो है फ्रेम वर्क प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको डिवाइड करके नोट करना है कि डिवाइड करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ओके, इस तरह ये आपको देखना है, इसका आंसर ये आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर इसका आपको आंसर नोट करना है, देन ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पर